हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस के स्टडी पॉइंट में। ठीक है, आज हम जो है पहले देखिए, मैंने एक आपको एक ट्राइगोनोमेट्रिक के ऊपर एक बेसिक इंट्रो दिया था। बेसिक इंट्रो के साथ साथ मैंने आइडेंटिटीज भी कराई थी, और उस आइडेंटिटी के बीच में मैंने एक आपको ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल कराई थी, राइट ना। उस ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल में क्या था कि वैल्यूज थी, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, है ना, इस तरीके से उसमें वैल्यू थी। आज उन वैल्यूज के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, और उन वैल्यूज के ऊपर जो क्वेश्चन रहेंगे वो बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक हम किस तरीके से जाएंगे, ये उसमें आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो समय ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला काम, आपके पास सामने मैंने टेबल रखी है, इस टेबल की वैल्यू आपको हाथों हाथों में याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो आप सेकंडों में बनाना आना चाहिए, आपको किस तरीके से आप बना सकते हैं ये आप वैल्यू देख लीजिए। ठीक है, देखिए पहला काम आपको कि साइन का वैल्यू तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा, साइन का वैल्यू तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा। देखिए, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। साइन का वैल्यू तो साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का 3/2 एंड 1। क्लियर? यहां देखें, 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। ठीक है, जब हम यहां देख रहे थे कि 10 की बात करते हैं, अब हमें एक याद था उसका अपोजिट कॉस हो गया, यानी कि मैंने पहले साइन को सीधा लिखा फिर उसका अपोजिट कॉस हो गया। अब हमें 10 को, देखिए रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, 10 में करना क्या है कि आपको, हम जानते हैं, वी नो दैट कि 10 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये साइन है, मिस्टेक से कुछ और मत समझ लेना, साइन है ये, कॉस है। ठीक है, टेन थीटा मैंने आइडेंटिटी आपको लिखाई हुई है कि 10 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हुआ, जब मैं 1 का डिवाइड 0 में देने वाला हूँ तो 0 में किसी का भी डिवाइड दीजिए वो 0 आने वाला है। क्लियर? इसका डिवाइड जब मैं इसमें दूंगा तो 1/√3 आने वाला है। क्लियर? इसका डिवाइड जब मैं इसमें दूंगा तो 1 आने वाला है, इसका डिवाइड जब मैं इसमें दूंगा तो √3 आने वाला है। और यहाँ 0 का डिवाइड किसी में देते हैं तो भैया ऐसा बम विस्फोट होता है जिसका डेफिनेशन आज तक नहीं है, तो ये इनफाइनाइट आता है। ओके, तो यहाँ पे अपोजिट लिख देंगे, उल्टा √3/2, 1/√3 एंड 0। क्लियर? अब सेक हुआ, देखिए सेक की एक आइडेंटिटी मैंने लिखाई थी, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, यानी कि सीधा सा फंडा, सेक की मुझे वैल्यू चाहिए तो जो कॉस की वैल्यू है उसे 1 के अकॉर्डिंग में रख दीजिए। कॉस कहाँ में रहा, ये रहा। तो कॉस की जितनी वैल्यू है, देखिए 1 को 1 के अकॉर्डिंग में रखा तो 1 आने वाला है, इसको इस वाली वैल्यू को जब मैं 1 के अकॉर्डिंग में रखने वाला हूं तो 2/√3 आएगा। ओके, यहां पर देखें, इस वाली वैल्यू को जब मैं 1 के अकॉर्डिंग में रखूंगा तो मुझे √2 मिलने वाला है। क्लियर? जब मैं इस वाली वैल्यू को 1 के अकॉर्डिंग में रखूंगा तो मुझे 2 मिलने वाला है, जब मैं इस वाली वैल्यू को 1 के अकॉर्डिंग में रखने वाला हूं तो मुझे यहाँ पर इनफाइनाइट मिलने वाला है। सेम प्रोसेस, इनफाइनाइट, 2√2, 2/√3 एंड 1। अब ये आपको ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल याद होनी चाहिए, पूरी की पूरी ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल के ऊपर ही मैं आज क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। ठीक है, और बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चंस होंगे, इसमें कोई भी लॉजिक लगाने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है, केवल माइंड गेम लगा। देखिए पहले क्वेश्चंस की ओर नजर कर लेते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन में इस बात को कह रहा है कि ये क्वेश्चंस मिस्टेक हो गया भाई, बाय मिस्टेक, ये वाला क्वेश्चन, पहला वाला क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है, इसे थोड़ा सा आप हटा दीजिए थोड़े से, ये भी पिछला क्वेश्चन जो आगे टाइप हो गया, टाइपिकल मिस्टेक है, कोई नहीं, सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 30, ठीक है, 10 30 sec 45 प्लस 10 60 और sec 30। क्लियर? इनकी वैल्यू रखकर हमें बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए 10 30 की वैल्यू फटाक से बताएंगे मुझे, साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू 1/2 अपॉन कॉस 30 की वैल्यू √3/2। क्लियर? 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 10 30 की वैल्यू 1/√3। ठीक, सेक 45, देखें कॉस 45 की वैल्यू, सीधा साइन और कॉस पे चले जाइए आप, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, जस्ट मैं इसको 1 के अकॉर्डिंग में रखूंगा तो मेरे पास √2 आने वाला है। क्लियर? प्लस 60 की वैल्यू, भाई 60 देखिए,
60 की वैल्यू रूट 3/2 अपॉन कॉस 60 की वैल्यू, कॉस 60 की वैल्यू क्या थी, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या आया रूट 3। क्लियर। sec 30, sec 30 की वैल्यू, sec 30 यानी cos 30 की वैल्यू क्या थी, ये रही, इसका अपोजिट कर दीजिए यानी कि उल्टा कर दीजिए, तो ये आपके सामने ये वैल्यू आ गया। ओके, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखें यहाँ पे आपको मिलने वाला है √2/√3 प्लस यहाँ मिलने वाला है 2√3/√3। क्लियर। एलसीएम आपका रूट थ्री आया, यहाँ पर आपने देखा कि रूट टू आया प्लस 2√3 आया, ये वैल्यूज आपके सामने अवेलेबल है, यही आपका आंसर रहेगा। ठीक है। हाँ, किसी को कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकता है। ठीक है, फिर उसके बेस पर मैं आगे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। इस वैल्यू को आगे भी सॉल्व किया जा सकता है, इस वैल्यू को आगे भी सॉल्व किया जा सकता है कि √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, इसे इस तरीके से भी किया जा सकता है आगे, पर उसे करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसे √3/√3 भी किया जा सकता है। देखिए √3 करूंगा तो यहाँ पर √6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा और यहाँ पर भी आपका 3 हो जाएगा, इस तरीके से भी किया जा सकता है इस क्वेश्चन को, तो इस तरीके से करने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल बेसिक है तो यहाँ तक आपका ठीक रहेगा, बेसिक में इतना ही आपका क्वेश्चन पूछता है। ओके, तो ये आपका आंसर होना चाहिए। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपको देखते हैं, प्रूव दैट, यानी कि इस वाली साइड से हमें ये वाली साइड लाना है। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं टेकिंग LHS, ओके, टेकिंग LHS, तो LHS में मेरे पास क्या है, cos 30 प्लस sin 60 अपॉन 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30, ओके। जब मैंने cos 30 की वैल्यू देखी, cos 30 की वैल्यू √3/2, ओके, sin 60 की वैल्यू √3/2, ओके, ये थीटा, ये टाइप में बड़ी मिस्टेक करते हैं लोग, 1 प्लस cos 60, cos 60 यानी कि sin 30 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू 1/2, ओके, यहाँ पर देखें sin 30 की वैल्यू प्लस 1/2, ये आ गई आपके पास। एलसीएम ले लीजिए, ऊपर ऊपर जो एलसीएम आया वो √2 आया, यहाँ पर √3 प्लस √3 रहेगा ऊपर, नीचे जो मैंने देखा एलसीएम 2 आने वाला आपके पास। ठीक है, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 1 होगा, तो 1 का डिवाइड जब मैं 2 में दूंगा तो यहाँ 2 आएगा प्लस 1 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल आउट, ऊपर बचा √3 अपॉन, डिनोमिनेटर में क्या बचा भाई बोलो 4, तो यहां से ये गया, क्या आया आपके पास √3/2, यही प्रूफ करना था भाई RHS। ठीक है, RHS ही हो गया। तो इस तरीके से आप चुटकियों में क्वेश्चंस को कर सकते हैं, बशर्ते आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल आनी चाहिए। ओके, तो अभी डरना नहीं है, आपको ऐसे बेसिक क्वेश्चंस को चुटकियों में कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इन इज द फॉलोइंग केसेस, यानी इन केसेस में हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। देखें सबसे पहला काम मैं आपको कर दिखा रहा हूँ, पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। 2 साइन थीटा है तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू √3/2, क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। देखें साइन को कैंसिल आउट कब किया जा सकता है, साइन को इधर साइन होगा तभी तो कैंसिल आउट किया जा सकता है, तो मैं जानता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 कितने की वैल्यू होती है, साइन 60 की, कितने की वैल्यू होती है, साइन 60 की, तो ही होती है, जब साइन 60 की वैल्यू है तो साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 2 थीटा इज इक्वल टू 30 और थीटा इज इक्वल टू, सॉरी 60 और थीटा इज इक्वल टू 30, ये वैल्यू आपके आंसर हुआ। अब आप ये कह रहे होंगे कि यहाँ से साइन आपने कैसे कर दिया, तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए साइन 2 थीटा आपके पास है और यहाँ पर साइन 60 है, ठीक है, तो यहाँ से 2 थीटा मैं जब लूंगा तो देखें साइन जब इधर आएगा तो इसके अपॉन में रहेगा, साइन 60 अपॉन साइन, ओनली साइन, साइन से साइन कट जाएगा तो थीटा हो जाएगा, या आप इसे ऊपर लेंगे तो इसकी पावर इनवर्स में चली जाएगी, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन, साइन इनवर्स साइन 60 एंड साइन से साइन कैंसिल आउट, तब भी आपके पास 60 हो जाएगा, यहाँ 2 थीटा होगा, तो जब थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो 30 आपके पास आने वाली है। तो ये क्वेश्चन तो यहाँ तक हो गया आपका। ठीक है, अगेन अब मैं इसको करने वाला हूँ, सेम वही उसी तरीके से cos 30 इज इक्वल टू 1/2, मैंने 2 को क्या किया, इसके अकाउंट में ले लिया 1 के अकाउंट,
यानी कॉस्ट को सेपरेट कर लिया। सबसे पहला काम कॉस्ट को सेपरेट करिए, जो वैल्यू है आपकी उसको सेपरेट करिए। सेपरेट करने के बाद जो सामने वाली वैल्यू है उसे उसी फंक्शन में चेंज करिए जिस फंक्शन जो रेशियो आपके पास है, ठीक है, जो रेशियो आपके पास अवेलेबल है उसी रेशियो में इसको चेंज करिए जो वैल्यू आपके पास है। ओके, तो मैं देखता हूँ कॉस 13। तो अब मैं जानता हूँ कॉस में 1/2 कितने की वैल्यू होती है भाई, कॉस 60 की। तो मैंने इसे लिखा कॉस 60, ठीक है, कॉस से कॉस कैंसिल आउट, 3θ = 60, क्लियर, 3 से 2 टाइम गया, θ = 20, θ = 22 डिग्री, डिग्री लगा लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन tan की वैल्यू, tan थीटा इक्वल्स टू, देखो माइनस है यहाँ क्वेश्चन में, क्या है माइनस, तो मैं इधर जीरो और पुट कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ जीरो पुट कर लेता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, या तो यहाँ पे इक्वल होगा या माइनस है तो इधर जीरो होगा, ठीक है, यानी कि इसमें कोई ना कोई एक मिस्टेक है, तो वो मैं करेक्ट कर देता हूँ आपके इस क्वेश्चन को, नॉट माइंड। ठीक है, देखें मैंने करेक्ट किया, मैंने इधर जीरो पुट कर लिया, क्या कर लिया जीरो पुट कर लिया, तो जीरो में पुट करूंगा तो देखो जब इसे इसको जीरो पे इधर लूंगा तो 3 हो जाएगा, और इस वाली वैल्यू को डाउन में लूंगा तो ये √3 आएगा, √3 से √3 सॉरी √3 बार कट जाता है, tan थीटा इक्वल्स टू √3। अब मैं देख पा रहा हूँ tan में √3 कितने की वैल्यू होती है, 60 की, वही 60 की तो होती है ना, तो थीटा इक्वल्स टू tan 60, थीटा से tan से tan कैंसिल आउट, थीटा इक्वल्स टू 60। विशेष अब आप ध्यान रखिएगा, एक और कंडीशन में आपको यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के जरिए से एक वैल्यू बताने जा रहा हूँ, उस पर जरा फोकस करिएगा। देखें अब भी मान लीजिए आपके पास क्या है, यहाँ पे थीटा इक्वल टू 60 आ रहा है, 30 आ रहा है, 20 आ रहा है, इसे हम पाई की पाई में भी चेंज करके लिख सकते हैं, पाई की वैल्यू होती है 180, ठीक है। जब मैं इसे ऐसे लिखना है, मुझे 60 को लिखना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा पाई बाई 3, यानी कि पाई बाई 3 यानी कि 180/3 60 होता है, 180/60 होता है, तो यहाँ पाई बाई 3 लिखने वाला हूँ। ओके, पाई के रेशियो में भी लिख सकते हैं, तो आप घबराइएगा मत, कहीं पाई दे दिया हो और आप ये कहें कि भाई नहीं हमें तो सर में वैसे रहा था, ऐसा कुछ नहीं है, तो पाई के रेशियो में भी आप इसे चेंज करके लिख सकते हैं। देखिए अभी फाइंड एंगल, एंगल फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, जैसे अभी हम एंगल फाइंड आउट कर रहे थे उसी तरीके से हम थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे, उसी तरीके से हम इस इक्वेशन से हमें एंगल फाइंड आउट करना है। ओके, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, करने करते हैं, चलिए। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये वैल्यू हमारे पास है, तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि इस वाली वैल्यू को किसी एक रेशियो में कन्वर्ट कर लेना, या तो आप साइन साइन में करिए, आपको कॉस कॉस में कर लेना, ठीक है। तो मैं इस वैल्यू को केवल साइन में करने वाला हूँ, साइन में या टेन में, किसी कॉट में या किसी एक में करने वाला हूँ, तो मैं फिलहाल इसे टेन में कन्वर्ट करने वाला हूँ। देखिए इस पूरी इक्वेशन से आप कॉस कॉमन ले लीजिए, कॉस थीटा, पहले भी मैंने एक क्वेश्चन ऐसा किया है, कॉस थीटा ऊपर नीचे से मैंने कॉस कॉमन लिया, तो यहाँ वन बचेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मैंने बताया था जो वैल्यू किसी रेशियो में नहीं हो उसे कॉमन लेना हो तो उसे डिनोमिनेटर में आ जाती है, बस आप इतना याद रखें, वन, देखिए साइन के पास कॉस नहीं है तो कॉस इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर 1 - √3 और 1 + √3, कॉस से कॉस कैंसिल आउट होगा, ये टेन हो जाएगा, 1 - tan थीटा और 1 + tan थीटा, क्लियर, 1 - √3 और 1 + √3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप आराम से कर सकते हैं, 1 + tan थीटा 1 - √3, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, 1 - tan थीटा और 1 + √3, देखें 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 1, 1 का मल्टीप्लाई 10 के साथ तो 10 थीटा, ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ, 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ, 1 का √3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, ये हो गया, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है, √3 - tan थीटा, ऐसे सेम प्रोसेस इधर, 1 का मल्टीप्लाई 1, 1 का मल्टीप्लाई √3 - tan थीटा और -√3 tan थीटा। देखें एक कंडीशन को आपके सामने है,
वही रूट थ्री टेन थीटा, रूट थ्री टेन थीटा इक्वल के इक्वल हो बीच में और लेफ्ट और राइट में सेम वैल्यू हो तो वो कैंसिल आउट हो जाती है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, वन से वन कैंसिल आउट। ठीक है, अब जो बचने वाली वैल्यू है वो देख लेते हैं जरा। देखिए टेन बचा है यहाँ पे, यहाँ पे माइनस टेन बचा है, यहाँ लिखेंगे टेन थीटा, ठीक है, माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू रूट थ्री माइनस टेन थीटा, ये वैल्यू बची। इस वैल्यू को आप इधर ले लीजिए तो टेन थीटा प्लस टेन थीटा रूट थ्री प्लस रूट थ्री, ओके, ये टू टेन थीटा तो यहाँ पे टू रूट थ्री, टू से टू कैंसिल आउट, थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री, ये तो वही प्रीवियस क्वेश्चन आ गया, ये होता है टेन सिक्सटी, तो ये कैंसिल आउट, थीटा इज इक्वल टू सिक्सटी या पाई बाई थ्री। क्लियर क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है भाई आपके लिए, ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर भी क्वेश्चन बड़ी, आज तो टाइपिंग मिस्टेक बहुत की है भाई, ये क्वेश्चन नंबर फोर है, ये वीक क्वेश्चन नंबर फोर कर दिया, ये क्वेश्चन नंबर फाइव है भाई, ध्यान रखो क्वेश्चन नंबर फाइव। तो ये ट्रायंगल की सॉरी ये जो है एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, उन्हीं क्वेश्चन के बेस पर, उन्हीं क्वेश्चन के बेस पर ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को जरा एक बार नजर करके देखते हैं, इन अ रेक्टेंगल, ये कह रहा है एक रेक्टेंगल है जिसमें ए बी 20 सेंटीमीटर है, ए बी 20 सेंटीमीटर है, और ये कह रहा है बी ए सी 60 सेंटीमीटर, 60 डिग्री है, बी ए सी यानी कि ये वाला एंगल जो है आपका 60 है, क्या है 60 है, जब ये वाला एंगल आपका 60 है, ये वाली साइड आपके पास कितना है, ये वाली साइड आपके पास 20 है, तो हमें पहले तो ये वाली साइड निकालनी, ये वाली साइड निकालनी, क्योंकि हम तभी तो इसको कुछ कर पाएंगे भाई, हमारे पास ट्रायंगल की अवेलेबल मतलब साइड्स अवेलेबल होंगी तभी तो हम कुछ कर पाएंगे, ओके चलिए करते हैं। तो ये कह रहा है कैलकुलेट साइड बी सी, यानी कि इस साइड को कैलकुलेट करना है कि कितनी है, बस ये वाली साइड हमें वैसे ही बतानी है क्या है, चलिए जो हम कह रहे थे वही काम उसने किया है क्वेश्चन उसमें, तो कुछ नहीं है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसे आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला काम, आपको ये वैल्यू दी गई है, ये ध्यान दीजिए, एक ये वैल्यू दी गई है, एक ये वैल्यू दी गई है, यानी थीटा की वैल्यू आपको दी गई है, ये थीटा होता है, मैंने आपको जब भी पहले ही बताया था कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो थीटा है, या ए कह सकते हैं आप, कुछ भी कह सकते हैं, या थीटा कहेंगे तो ए की वैल्यू आप नहीं लेते ले सकते, अगर ए कहेंगे तो यहाँ पर ए की वैल्यू यही रहेगी, ओके। तो चलिए हम जानते हैं क्या, ये पी होता है, ये बी होता है, और ये एच होता है, ये वाली साइड एच होती है, ये वाली साइड, ठीक है, तो ये P B H होता है। देखो B और P किस किस रेशियो में आते हैं ये हमें देखना है, ये हमें देखना है। देखिए S C T L A L K A, ठीक है, C S C, तो देखिए दो में आता है, एक तो लंब और कड़ आता है इसमें, साइन और कोसेक में। अगर हमें देखना है क्या, हमें देखना है B और P, तो B और P, तो यहाँ पे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो देखें बी और पी देखना है ना, तो बी और पी किस किस में आ रहा है भैया, बी और पी किस में आ रहा है, टी में आ रहा है, टेन में आ रहा है, तो हम यहाँ देख सकते हैं टेन की वैल्यू किस में आ रहा है, टेन में, टेन में ही तो आ रहा है ना, जब टेन में आ रहा है आपके पास, टेन में वैल्यू आ रही है, तो सिंपल सा टेन ले लीजिए, क्यों आप झंझट में पड़े। तो देखिए टेन थीटा हम जानते हैं, वी नो दैट, वी नो दैट टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी, क्लियर, वो ऑलमोस्ट कह के भेज रहा है कि टेन थीटा की वैल्यू जो है हमारे पास क्या है, थीटा की वैल्यू, सॉरी मैं ये मिस्टेक कर दी इसमें, थीटा की वैल्यू वो आपको लिख के भेज रहा है क्या है, 60, थीटा की वैल्यू 60, और P की जगह P ही रहेगा, बेस की वैल्यू 20, क्लियर। टेन सिक्सटी की वैल्यू हम जानते हैं रूट थ्री होती है, अभी निकाल चुके थे, और ये हो गया 20, और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मुझे P की वैल्यू मिल जाएगी, सिंपल क्वेश्चन हो गया भाई, क्या था इस क्वेश्चन, कुछ नहीं, ये आपका आंसर, बहुत ईजी, यहां पर आएगा 20 रूट थ्री, क्लियर, दैट इज आंसर। चलिए
आज केवल 5 ही क्वेश्चंस दिए गए भाई टीम ने, आज 5 ही क्वेश्चन दिए, पता नहीं टीम क्या कर रही है। हमारी तो टाइपिंग में बहुत सारी मिस्टेक की हैं, मैं उनसे बोलूंगा कि आगे इन मिस्टेकों को ना करें, ठीक है। और क्वेश्चंस भी बहुत कम दिए हैं, आज 5 ही क्वेश्चंस दिए हैं। अभी आगे और एडवांस लेवल इसी तरीके के क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, ट्राइगोनोमेट्री इस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे। लगभग लगभग 10 क्वेश्चंस की सीरीज मिलने वाली है कल आपको, यानी आज के लिए इतना ही मिलेगा, मगर कल के लिए मैं आपको बोलूंगा 10 क्वेश्चंस की सीरीज आपको मिलने वाली है। यूपी बोर्ड का एक प्रीवियस पेपर भी हम लगाने वाले हैं, प्रीवियस पेपर, ठीक है। यूपी बोर्ड का प्रीवियस पेपर हम संडे को आपके सामने देंगे, संडे को, ठीक है। संडे को आपको प्रीवियस ईयर का एक पेपर मिलेगा जिसमें ट्राइगोनोमेट्री के क्वेश्चंस जितने हैं वो कराए जाएंगे, बिल्कुल जो मतलब कि मोस्ट इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे ट्राइगोनोमेट्री के वो कराए जाएंगे। तब तक हम ट्राइगोनोमेट्री को संडे तक फिनिश कर लेंगे, ठीक है। संडे, सॉरी संडे नहीं, सैटरडे, सैटरडे, सैटरडे इज द लास्ट डे ऑफ ट्राइगोनोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री, ठीक है। तो हम इसे सैटरडे तक फिनिश कर लेंगे, सैटरडे के बाद संडे जो आएगा उसमें हम टेस्ट क्लियर करेंगे, टेस्ट के बाद ट्राइगोनोमेट्री फिनिश, ठीक है। वैसे ट्राइगोनोमेट्री अगर 12th स्टैंडर्ड पे देखेंगे, 10th स्टैंडर्ड पे कर रहा हूँ, 12th स्टैंडर्ड पर आओ देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा लेंदी है। अभी उसमें मैं इसी सीरीज को आगे जब बढ़ाऊंगा तो 12th स्टैंडर्ड के लिए बढ़ा दूंगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।